दोस्तों बॉक्स में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा आपका ये प्यारा सा डिवाइस जो कि है हमारे पास यहाँ पर 6 GB वाला वेरिएंट। उसके साथ कुछ आपको यहाँ पर कागजी कार्रवाई देखने को मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है और यहाँ पर फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें टाइप सी पोर्ट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देखने को मिलता है, ट्रिपल स्लॉट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इसमें आपको पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, इसमें आपको इतनी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसमें बात करें और फीचर्स की तो इसमें आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और जो दोस्तों यहाँ पर इसकी डिस्प्ले है उसकी तो क्या ही बात यार, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। रियलमी 7 प्रो से भी अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। कलर्स दोस्तों बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोड्यूस करता है ये फ़ोन, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसकी डिस्प्ले। दोस्तों अगर बात करें हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको अगर कैमरे की बात बताऊँ तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 64 MP का प्राइमरी सेंसर, 12 MP का वाइड एंगल लेंस, 5 MP का डेप्थ सेंसर, 5 MP का मैक्रो सेंसर और दोस्तों 32 MP का पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोस्तों कैमरा यूआई की बात करें तो बहुत अच्छी यहाँ पर आपको कैमरा यूआई देखने को मिलता है। फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर यहाँ पर निकल कर आती है और दोस्तों इसमें आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि आपको गैलेक्सी M31S में देखने को मिले थे सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आप अगर वीडियो बनाओगे 5-6 सेकंड की तो आपको यहाँ पर ये क्लिक करके 10 से 15 फ़ोटोज़ दे देगा और बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप ये चीज़ें तो आपके लिए ये फ़ोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो यहाँ पर बूमर रैंक वगैरह आपको सब कुछ ये खुद से बना के दे देगा। दोस्तों अगर बात करूँ मैं यार इसकी बैटरी की तो इसमें दोस्तों आपको एक पावर बैंक चलता फिरता देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद सुपर फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों क्या ही बोलें। बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर की तो इसमें 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी गेमिंग की दोस्तों बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पबजी है वो यहाँ पर HDR और हाई अल्ट्रा में दोस्तों चल रही है, HDR विद एक्सट्रीम जो आप दोस्तों चला सकते हैं वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पबजी बैन हो चुकी है तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आशा करता हूँ कि पबजी वापसी यहाँ पर अनबैन इंडिया में हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में था यार इतना ही और इसका मैं कंप्लीट कैमरा रिव्यू आपके लिए लाऊंगा। और ये फ़ोन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वन प्लस नॉट से दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 23-24 हज़ार रुपये है दोस्तों और उस प्राइस में आपको यहाँ पर 30 हज़ार वाले स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन और अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको इसका कैमरा टेस्ट देखना है तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मेनली यहाँ पर कैमरा टेस्ट वाली वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों इस फ़ोन का मैं जो कैमरा टेस्ट होगा दोस्तों सीधे पहाड़ों से आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मैं शिमला जाऊँगा दोस्तों वहाँ पर इस फ़ोन का कैमरा टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों वेट कीजिएगा मेरी उस वीडियो का। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।